खबर आज तक देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारे संग राम जन्मभूमि पथ रविवार से प्रारंभ हो गया। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। पुराने दर्शन मार्ग में बदलाव करते हुए दर्शनार्थी अब नए मार्ग से रामलला का दर्शन करने जय श्री राम का नारा लगाते हुए परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए 30 जुलाई रविवार को नया मार्ग शुरू किया गया है। इसके बाद श्रद्धालु 566 मीटर लंबे श्री राम जन्मभूमि पथ से होकर रामलला का दर्शन कर रहे हैं। 39 करोड़ रुपए से यह मार्ग करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। योगी सरकार में अयोध्या का संपूर्ण विकास हो रहा है। लगभग 32,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं इस समय चल रही हैं। यह मार्ग भविष्य में दर्शनार्थियों की भारी संख्या बढ़ने व सुविधाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। शुभारंभ अवसर पर यहां मौजूद रहे इस पथ के शुभारंभ अवसर पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र, बिमलेश मोहन, प्रताप मिश्र, महापौर महंत गृहस्पति त्रिपाठी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर आदि मौजूद रहे। रामलला के जयकारों के साथ रविवार को द्वितीय बेला में शुरू हुए राम जन्मभूमि पथ से ही प्रवेश और निकास भी होगा। वहीं राम जन्मभूमि जाने वाले पुराने मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। आज से राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए पैदल आने वाले यात्रियों की दूरी 0.5 किलोमीटर कम कर दी गई है। दर्शन के लिए जिस मार्ग से प्रवेश करेंगे वो मार्ग 0.5 किलोमीटर छोटा हो गया है। अभी तक दर्शनार्थियों को राम कचहरी के सामने से होता हुआ रंग महल के सामने से प्रवेश करके और दर्शन मार्ग पर आना पड़ता था। ये दूरी लगभग 0.5 किलोमीटर अधिक थी। अब दर्शनार्थियों को बिरला मंदिर के सामने से नई बनाई जाने वाली सड़क पर आना है और अमावा मंदिर के पीछे से होता हुआ दर्शन मार्ग के लिए प्रवेश करेंगे। पुराना परंपरागत मार्ग मंदिर निर्माण के कार्य में उपयोग होना शुरू हो जाएगा, अर्थात वो हटा दिया जाएगा। दर्शनार्थियों को 0.5 किलोमीटर दूरी पैदल चलने में कम हो गई और पुलिस के अवरोध भी घट गए। बिरला मंदिर तक आने के लिए, इस सड़क तक आने के लिए प्रशासन की रोक टोक भी कम है। बिरला मंदिर तक सभी लोग अपने वाहनों से आ सकते हैं। नई बनाई जाने वाली सड़क पर, शायद इसका नाम राम जन्मभूमि पथ है, 600 मीटर चलना पड़ेगा और मंदिर में प्रवेश हो जाएगा। आज दर्शन मार्ग का परिवर्तन, इतना ही सूचना है। जनता को ये मार्ग मालूम है, 1 वर्ष से जनता इधर से ही आ रही है। केवल अमावा मंदिर की बगल से प्रवेश करके राम कचहरी जाती थी, राम कचहरी से रंगमहल होती हुई दर्शन में प्रवेश करती थी। अब अमावा मंदिर से सीधे चलेगी और दर्शन के लिए प्रवेश हो जाएगा। धन्यवाद।